वाद विवाद और प्रतिवाद हिंदवी पॉडकास्ट। नमस्कार, मैं आशीष मिश्र हिंदवी के इस खास पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं अपने सहवार्ताकार हिंदी के ख्यात कवि देवी प्रसाद मिश्र जी का। हिंदवी 13 जनवरी से, जो कि कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म दिवस भी है, उस दिन से उनकी कुछ कविताओं का गायन प्रसारित करने जा रहा है जिसे आपने ही गाया है। मुझे लगता है कि हिंदी में ये शायद अपने तरह का अनोखा प्रयास है, एक बेहद नई कोशिश। हम अपने इस बातचीत में उनकी कविताओं पर, उनकी कविताओं के गायन की संभावनाओं पर, कविता और लय, छंद और संगीत के संबंध पर बातचीत करना चाहते हैं, तो हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं। अभी मैंने आपकी ये 9 कविताएं सुनी जिसे आपने गाया है। इसके पहले मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था कि शमशेर की कविताओं को गाया जा सकता है। एक कविता जिसे हिरावल ने गाया है, यसाम है कि खेत है कटे हुए अनाज का, गवाल यार का हृदय वाली जो कविता है जिसे हिरावल ने गाया है और वो चर्चित कविता है, या दूसरी कविता है उनकी जो एक लोकगीत की शिल्प पर है, निदिया सतावे मोहे सजमे से सजनी। इन 2 कविताओं के अलावा मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शमशेर की कविताओं को गाया जा सकता है जी। और आपने उसे जिस तरह से गाया है, एक तो इसकी संभावना पैदा होती है कि शमशेर की बाकी कविताओं को भी गाया जा सकता है, दूसरे उससे एक नया पाठ तैयार होता है शमशेर की कविताओं का जी। तो मैं शमशेर पर और बातें और प्रश्न आपसे बाद में पूछूंगा, उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि अब तक की अपनी पूरी काव्य यात्रा में आपने मूलतः नाटकीयता को, विडंबना बोध को कविता में ज्यादा तरजीह दी है। आपकी शैली नाटकीयता, विडंबना बोध इसकी ही रही है। एकाएक आपको कैसे लगा? और इवन अभी 1-2 साल पहले आपकी कविता डिटेंशन कैंप इतनी चर्चित हुई, एकाएक ये शिफ्ट आप में कैसे आ रहा है? आप एकाएक कविता में लयात्मकता को और रिदम को महत्व कैसे देने लगे? वो शायद इस तरह से हुआ कि शमशेर को हम लोग पढ़ते ही रहे हैं और इस तरह भी पढ़ते रहे हैं कि वो अलग हैं। उनके यहाँ 2 शब्दों के बीच में एक मौन, एक अंतराल पैदा होता है। इस तरह भी पढ़ते रहे हैं कि उसमें एक आंतरिक लय है जिसकी बहुत चर्चा नई कविता के दौर में होती थी। वो चर्चा तो होती थी लेकिन वो आंतरिक लय सब में है, सारे कवियों में ये दिखता नहीं था। शमशेर ऐसे कवि हैं जिसमें कि वह आंतरिक लय तो है ही, उसका एक बहिर्पक्ष भी है, बाकायदे इसकी सूझ है कि किस तरह से वो उसको संरचित करें, उसकी संरचना बनाएं। तो अभी हाल में जब मैं उनको पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि वो दरअसल एक आग्रह है वहाँ उन कविताओं में कि उन्हें गाया जाए। जैसे ये कविता की, ना मिली नजरें, ना मिली नहीं अब हठ घूम घट का, जिस तरह से वो लिख रहे हैं साफ है कि वो बुला रहे हैं लेकिन हिंदी का कोई व्यक्ति सुन नहीं रहा है। मुझसे अधिक संगीत जानने वाले संगीत तुम्हें जानता नहीं, शमशेर ने भी संभवतः संगीत नहीं सीखा था, लेकिन निश्चित रूप से उनमें सांगीतिक बोध दिखता है। जैसे वो सीधे सीधे कह रहे हैं, ए, 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 कौन मधुर छंद बने। अभी जो ए, ए, ए कह रहे हैं वो इसके लिए नहीं कह रहे हैं कि आप उसको गद्यात्मक तरीके से पढ़ते रहे, बल्कि इसलिए कह रहे हैं उसमें छिपा हुआ संकोची लेकिन गहरा आग्रह है कि इसको आप गाइए भी। इसका प्रमाण भी कैसे मिलता है? इसका प्रमाण ये मिलता है, एक जरूरी नोट्स में वो कहते हैं
कि मैंने जब यह कविता गाकर सुनाई, और किनको, एक कवि है और दूसरा गीतकार है। अब कवि स्वयं कह रहा है कि मैंने गाकर सुनाई, और नई कविता के जो समीक्षक हैं, आलोचक हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब कविता का संगीत के बिना बहुत आसानी से काम चल सकता है। भाई काम चल सकता है तो इस पे किसी ने रोका तो है नहीं। आप जो गद्यात्मक अतुकांत कविता लिख रहे हैं वो आप लिखिए, लेकिन लेट 100 फ्लावर्स ब्लूम, 100 तरह की चीजों को संभव होने दो। एक रूपीकरण क्यों किया जाए, क्यों एक ही तरह से, एक ही मिजाज से, एक ही भावबोध से, एक ही संवेदना से, और एक ही छोर से, और एक ही संरचना में कविता क्यों लिखी जाए। शमशेर इस आग्रह को तोड़ते हैं। उनकी टूटी हुई बिखरी हुई कविता जो है कितनी गद्यात्मक है, कितनी अधिक गद्यात्मक है, और उनको कवियों का कवि कहा गया। तो जो आदमी गद्य को इतना सुंदर बरत रहा है, अगर वह अपनी इस तरह की कविताएं लिख रहा है, ये जो एक आमंत्रण छिपा हुआ था वो मुझे कुछ सुनाई पड़ा उनके अपने कहे से, उनकी अपनी संरचनाओं से। ये केवल एक छोटी सी खिड़की मैंने खोली है, दरवाजा दूसरे लोग खोलें। एक बात पर ध्यान जा रहा है कि शायद हिंदी कविता में शमशेर वो कवि हैं जिन्होंने राग शब्द का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया है। आप उनके संग्रह देखें तो हर 2-4 कविता बाद किसी न किसी कविता में राग शब्द जरूर आएगा। मौन भी आता है, लेकिन मौन से ज्यादा राग आता है। उनकी एक कविता का शीर्षक ही है राग। तो पाठक उनसे पूछता है कि इन शब्दों का क्या अर्थ है, तो कहते हैं अर्थ क्या है अपने एक अद्वितीय राग के सिवा। उसमें त्रिलोचन आते हैं, जैसे त्रिलोचन का सहज निर्भर कोई छंद। अच्छा, इस संदर्भ में मुझे त्रिलोचन याद आ रहे हैं, अभी त्रिलोचन याद आ रहे हैं, शमशेर के और समकालीन कवि याद आ रहे हैं, केदारनाथ अग्रवाल याद आ रहे हैं, नागार्जुन याद आ रहे हैं, मुक्तिबोध याद आ रहे हैं। बिल्कुल, इन सब में एक गहन लयात्मकता है, एक राग है। संगीत की समझ ना हो लेकिन आलाप की गहरी समझ है इन सब कवियों में। मुक्तिबोध को तो गाने के लोगों ने कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है शमशेर को गाने की पहली बार कोशिश आपने की है, जो कि कोई गीतकार नहीं है। और शायद कोई गीतकार उतनी गहराई से उन कविताओं को समझ नहीं सकता था। प्राथमिक जरूरत थी कि कोई कवि पहली बार उसके राग तत्व को समझे, जो रास्ता आपने खोला। शायद जो काम आलोचना को करनी थी वो काम एक कवि ने किया है। एक प्रश्न मेरे जहन में ऐसे ही उठता है कि शमशेर और शमशेर के दौर के उनके समकालीन बाकी कवियों में जो जब इतनी गहन लयात्मकता है, हिंदी आलोचना से ये बात चूक कैसे गई? आपको लगता है कि या सायास किया गया या फिर आलोचना की कोई कोर दबती हुई से दिखती है, यहाँ क्या कारण होगा? मुझे लगता है कि जो धारणाएं बन रही थी उसमें पश्चिम से आते हुए जो बहुत सारे विचार थे वो वहाँ बहुत डोमिनेट कर रहे थे। होता ये था कि वहाँ अगर कोई इस तरह की बात कही जा रही है कि संगीत एक अलग चीज़ है, कविता अलग है, तो जैसे देवी शंकर अवस्थी ने कहा कि कविता और संगीत बल्कि उनका लेख ही है, तो उसमें उन्होंने कहा कि कविता को संगीत की ज़रूरत नहीं है। स्वयं शमशेर आग्रहशील हैं, उनको एक सांगीतिक छोर से देखा जाए, हाँ, एक लयात्मक छोर से देखा जाए, तो जो आलोचक हैं वो कवियों को ही नहीं सुन रहे थे। एक ये भी वजह हो सकती है कि उस समय के जितने आलोचक थे उनको कोई संगीत का ज्ञान नहीं था और उनकी कोई उनका प्रशिक्षण नहीं था। तो एक सुविधावाद होता है कि जो चीज़ हम नहीं जानते हैं उसको हम खारिज कर दें, उसको माने कि अगर वो आ जाएगी तो उससे अर्थबोध में मुश्किल होगी। मैं फिर से कहता हूँ कि छंद और गाना गेयत्व, अगर इसको कोई केंद्रीयता नहीं भी हासिल है तो ठीक ही है, क्योंकि गद्य में अर्थ विस्तृत हो रहे हैं, यथार्थ को ज्यादा बेहतर तरीके से कहा जा रहा है, लेकिन कोई लय की बात हो रही है और कोई छंद में बात कही जा रही है तो उस पर भी ध्यान दीजिए। अगर हिंदी आलोचना कविता पर संगीत के अनुशासन का अको बरसती है, उसका नकार करती है, तो मुझे लगता है यहाँ तक ये बात ठीक है।
लेकिन कविता स्वयं में जिस रिद्म की खोज करती है, हर कविता जिस मौलिक रिद्म की खोज करती है, उसका नकार शायद नहीं होना चाहिए। आलोचना ने शायद यही कोई भूल की है, उसे शायद यही कोई चूक हुई है कि हर कविता का अपना जो विशिष्ट रिद्म होता है, उसकी जो लय है, उसने उसे भी छोड़ दिया। शायद इसी प्रक्रिया में शमशेर की भी उपेक्षा हुई। अभी जो बात आप कह रहे थे कि जिसका आग्रह खुद शमशेर कर रहे हैं कि मेरी कविताओं को उसकी लयात्मकता में, उसकी रिद्म में समझा जाए, आलोचक उसे भी नहीं सुन रहे। जैसे मुझे उनके पहले संग्रह, जो कि पहला नहीं हुआ, 1980 में जो संग्रह छपा उदिता नाम से, उस संग्रह को उनका पहला संग्रह होना चाहिए था, जिसे 1949 में छपना था, लेकिन वो संग्रह नहीं छप पाया। उसके लिए शमशेर ने एक भूमिका लिखी, लंबी भूमिका लिखी। उस भूमिका में वो उपन्यास, संगीत और कविता की तुलना करते हैं। वो ये कहते हैं कि कविता उपन्यास और संगीत के बीच की चीज है जो आलाप पर बल देती है। मतलब संगीत के आलाप तत्व पर वो बल दे रहे हैं कविता में। आलोचकों ने उसे भी नहीं सुना। इसका कारण यह भी हो सकता है कि वो संग्रह ही बहुत बाद में छपा। उन कविताओं को सुनते हुए मुझे यह लग रहा था कि आप उनमें उसी आलाप तत्व को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सायास है या अनायास ही हो गया, कह सकते हैं कि जो मेरे अंदर चली आती हुई संगीत की बहुत सारी स्मृतियां थी, तो शमशेर को लेकर उस मोहब्बत से वो निकली, उसमें कोई प्रयास नहीं है, बस वो होता चला गया। असल में इस अर्थ में उसमें एक अनायासता है। जिस उदिता संग्रह का जिक्र कर रहा था, उसकी भूमिका का जिक्र कर रहा था मैं, उसकी शुरुआत दरअसल वो पूरी भूमिका ही बेहद काव्यात्मक है, और पूरा कविता में संगीत तत्व को, लय तत्व को, आलाप तत्व को जो पर जोर देती हुई भूमिका है, वो मुकम्मल है। और जो भी उनकी कविता में बार बार आता है, वो है पश्चिम का आसमान है जो लाल है, और आप अकेले बैठे हुए हैं, आपके भीतर का अवसाद, विषाद, अकेलापन, उदासी, सब कुछ उस ललाई में घुल रहा है। आपके भीतर और प्रकृति के भीतर एक विलंबित लय प्रवाहित है, गूंज रही है, जो स्थिर है, जिसमें स्थिरता है। शमशेर कहते हैं कि मेरी कविता में वही लय हर जगह मौजूद है, उस तत्व को पाने की कोशिश है, उस लय को पाने की कोशिश है। और जब आप अभी इन कविताओं को गा रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं आप भी उसी जमीन पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो प्रकृति और मनुष्य के भीतर उसके एकांत में गूंजती हुई एक मध्यम विलंबित लय है, कहीं आप उसे ही छूने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पहला प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा था, आपने उसका जवाब नहीं दिया, वो फिर से मैं दोहराता हूँ कि शमशेर की कविता में आप लयात्मकता और संगीत की खोज कर रहे हैं। पीछे दो साल पहले आपने अपनी वो कविता लिखी डिटेंशन कैंप, जो इतनी चर्चित हुई, लेकिन इसके पहले की आपकी कविताओं में छंद पर, संगीत पर, लयात्मकता पर कोई जोर नहीं है, या तो है तो मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूं, या फिर नहीं है। एक दो साल में आपको कविता में संगीत और लय पर इतना जोर क्यों आपने देना शुरू किया? ऐसा नहीं है कि जोर नहीं है, लय का असर मुझ पर है, छंद का भी असर है, तो वो एक तरह से कह लीजिए कि विलीन, मुझ में विलीन सरस्वती है ना, इलाहाबाद कहूं भी मैं, गंगा और यमुना तो दिखती है सरस्वती, लेकिन सरस्वती नहीं दिखती है। तो वो एक विलीन सा तत्व है जो कि मुझ में रहा है, और वो कविताओं में दिखता है, कई बार मैंने छंद वाली चीजें लिखी। तो इस अर्थ में ये कोई नई चीज नहीं थी,
असल में मैं संगीत के संदर्भ में ही हर चीज को देखता हूँ। ये नया जोर नहीं है, ये नया बलाघात नहीं है, तो अनुगुणियों से मैं दूर नहीं था। अच्छा, क्या आपको ये लगता है कि पूरी हिंदी आलोचना में कविता को समझने और समझाने के लिए शब्दार्थ पर अतिरिक्त जोर दिया जाता है, या इसके अलावा हमें और तरह के रास्तों की खोज करनी चाहिए कविता में प्रवेश के लिए, कविता को समग्रता से उपलब्ध करने के लिए? इसे शमशेर पर हम फिर आए तो शब्दार्थ पर वो कम जोर दे रहे हैं, बिल्कुल, और कई बार वो क्षमा प्रार्थना वाली शैली में थोड़ा सा विषर्ण होकर भी कहते हैं कि हो सकता है मेरी कविताएं, बहुत सारी कविताएं आंदोलनों के काम ना आ रही हो, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो अंदर घुमड़ता आंदोलन होता है, जो हृदयगत आंदोलन है, जो तड़प है, जो अभाव है, जैसे आप देखिए ना, हमें देखना पड़ेगा असल में कि वो कहे किस तरह से रहे, जैसे ना मिली ना मिली नजरें ना मिली नहीं, और फिर कह रहे हैं कि हट घूंघट का, वो कह रहे हैं कि नजरें इसलिए नहीं मिली कि घूंघट का हट था। अच्छा, घूंघट क्या स्त्री का अपना चयन है? नहीं है, ये पूरे के पूरे मर्दवाद का एक तरह से आरोपित अनुशासन है। अब एक चीज जो कि गीत है, जिसे पारंपरिक तरीके से नहीं गाया जा रहा है, उसमें शमशेर जो लिखते हैं वो ये है कि नजरें इसलिए ना मिल पाई क्योंकि घूंघट का हट था। आप देखिए, रुला देने वाली बात है ये हृदयगत आंदोलन, ये तड़प है, लेकिन आप इसमें कितना बड़ा सामाजिक तत्व, कितने बड़े आग्रह और कितनी तकलीफ इसमें छिपी हुई है। अच्छा, एक एक बहुत, मतलब इस बात में क्या दृष्टि छिपी हुई है, मैं आपको ध्यान दिलाऊं। मलयज ने जो शमशेर पर लिखा है, मलयज कहते हैं कि शमशेर विजन के नहीं मूड्स के कवि है, मूड के नहीं मूड्स के कवि है। अच्छा, अब पहली बार मेरा ध्यान जा रहा है इस बात पर कि शमशेर के यहाँ जो मूड है वो कैसे विजन में बदलता है। यही जो उदाहरण आप दे रहे हैं, जिसे अभी अभी आपने गाकर सुनाया है कि नजरें ना मिली क्योंकि घूंघट का हट था, हट घूंघट का, नजरें ना मिली है मूड, लेकिन ये कैसे एक विजन में बदल रहा है, एक सामंत विरोधी विजन में बदल रहा है। ये पहली बार मैं बस आपसे बात करते हुए अभी अभी इसे मैं समझ पा रहा हूं। और एक बात और कह दूं, इसकी जो आंतरिकता है, इसको अगर आपने ऐसे पढ़ा कि ना मिली ना मिली नहीं नजरें ना मिली हट घूंघट का, तो क्या होगा कि इसका अर्थ खो भी जाएगा। हाँ, है ना, ठीक बात। जब तक इसको आप एक आलाप के मर्म, उसकी करुणा और उसके दर्द और उसके विषण के साथ ना गाएंगे तो ये खो जाएगा। तो अभी आपने जो बात कही, हाँ, कि शब्दार्थ ही नहीं है कविता, हाँ, हाँ, है ना, हाँ। उसके बाद जैसे हम लोग उस दिन बात कर रहे थे कि पोस्ट ह्यूमन की तरह एक शब्दार्थोत्तर स्थिति की परिकल्पना की जाए। अभी एक तो मैं फिर से उसी भूमिका का जिक्र करूंगा उदिता का, हाँ। जिसमें शमशेर कहते हैं और बेहद जोर देते, वो ये कहते हैं कि शब्द और अर्थ सिर्फ एक पर्दा मात्र है मेरी कविताओं में, एक संकेत है जो आपको इशारा कर सकते हैं कि उस विलंबित मौन की तरफ, उस राग की तरफ आप जाएं। लेकिन शमशेर को समझने के लिए जब शब्दार्थ पर अतिरिक्त जोर दिया जाता है तो वो कविताएं उलझी हुई सी लगती हैं, एक पंक्तियां दूसरी पंक्तियां से जुड़ती हुई सी नहीं लगती। मुझे लगता है उनकी जिन कविताओं को सुरलिस्ट कविताएं कहा जाता है, उलझी हुई कविताएं कहा जाता है, जब आप गा रहे हैं तो वो सारी कविताएं बेहद सहजता से सुलझती हुई सी एक अनुति पा जा रही हैं। मतलब शमशेर को समझने का यह रास्ता, शमशेर को उपलब्ध करने का यह रास्ता शायद ज्यादा सहज, मुकम्मल और शायद सच्चा रास्ता है। अब एक चीज जिससे हमने ये बातचीत शुरू की थी कि कविता में शब्दार्थ पर अतिरिक्त जोर देना दरअसल कविता के मुकम्मलपन को नकारना है, जिसे आपने कहा कि हमें अभी अर्थोत्तर
शब्दोत्तर कह लीजिए। हाँ, शब्दोत्तर विधान की खोज करनी होगी, एक तरीके की खोज करनी होगी कि हम कविता को मुकम्मलपन से उपलब्ध कर पाएं। दरअसल हम लोग जो बात कर रहे हैं, इस समय दुनिया भर की स्त्री आलोचना में ये सबसे केंद्रीय चीज है बहस का। जूलिया क्रिस्टीवा जो स्त्रीवाद के सबसे मुखर लोगों में से एक हैं, उनकी एक किताब है रिवोल्यूशन इन पोएटिक लैंग्वेज, तो एक बेहद दृष्टि संपन्न बात कहती हैं। वो ये कहती हैं कि भाई ये जो भाषा है इससे जो अर्थ संप्रेषित होता है वो बना कैसे है, किसने उसे बनाया है। वो कहती हैं कि ये भाषा की दुनिया, ये जो सिंबोलिक ऑर्डर है, ये मूलतः पुरुषों की दुनिया है। कोई स्त्री इसमें प्रवेश करते ही, जब इस भाषा में बोलने की कोई स्त्री कोशिश करती है, तो या तो अपने जबान से बोलते हुए मर्दों की अभिव्यक्त कर रही होती है, उनकी कामनाओं की अभिव्यक्त कर रही होती है, दोहरा रही होती है, या तो फिर निरर्थक हो जाती है। इस भाषा में बोलने का दो ही रास्ता है, या तो आप पुरुष को बोल रही हैं या फिर आप निरर्थक हो जाएंगी, रहस्याभासी हो जाएंगी। तो एक तरीका सुझाती हैं, कहती हैं कि कविता के भीतर सिंबोलिक ऑर्डर से पहले की जो दुनिया है, मतलब बच्चा जब 6 महीने के बाद धीरे धीरे भाषा सीखता है, उससे पहले की जो दुनिया है जिसमें माँ के हृदय की धड़कन है, उसका दुलार है, प्यार है, ढेर सारे माँ और उसके बीच जो चल रहा रिद्म है, उसको कविता में लाया जाए। वो सिंबोलिक आर्डर से जो पहले की दुनिया है वही इस संरचना को तोड़ सकता। तो एक तरह से शब्द और अर्थ के नीचे जो दबी हुई और छिपी हुई दुनिया है, फिर से उसकी उद्भावना का आंदोलन है। उसकी उद्भावना की कोशिश है। जिसे आप शब्दोत्तर कह रहे हैं वो उसे शब्द पूर्व की दुनिया कह रही है। लेकिन अब इससे एक बात बनती हुई दिखाई पड़ती है, वो ये कि कविता को समझने का जो शब्दार्थ केंद्रीय बोध है वो पर्याप्त नहीं है। हमें और चीजों तक जाना होगा, हमें लय तक जाना होगा, आलाप तक, छंद तक, संगीत तक, चित्रकला तक, इस सारे अलग अलग जो काव्य विधान और उसके बाहर की दुनिया है वहां तक जाना होगा, तब हम इन कविताओं को मुकम्मल तौर पर उपलब्ध कर सकते हैं। क्या आप यही बात कह रहे थे? हाँ, मेरे लिए भी ये चीजें आविष्कृत हो रही हैं धीरे धीरे। तो उनको गाया भी जाना चाहिए तमाम तरह के अनुभवों के संस्तरों को समझते हुए। ठीक है, हाँ, तो उसमें ऐसा ना हो यानी संगीत ही डोमिनेट करने लग जाए। हम लोग काफी देर बात करते रहे लेकिन इस बात पर हमारा ध्यान नहीं गया कि ऐसा ना हो कि सांगीतिक आधिपत्य एक तरह से दिखने लग जाए और पता लगे कि शब्द खो जाए। क्योंकि मुख्य बात यह है, वह जो शब्द है, शब्द से निकलता, एग्ज्यूट करता हुआ, जो निकलता हुआ उससे बाहर आता हो, उसकी जो आभा है उसके साथ हम उस कविता को देख सकें, उस कवि व्यक्तित्व को जान सकें, और इस तरह से जो एक टूटा हुआ तार है पाठक, श्रोता और रचना और रचनाकार के बीच। एक बात और निकल रही है कि अगर हमें हिंदी की कविताओं को अगर दूर तक ले जाना है तो मेरे ख्याल से ये जरूरी होगा कि हम कविताओं को इस तरह की लय में, उसको एक सांगीतिक परिप्रेक्ष्य देने की कोशिश करें, उसको एक लयात्मक पर्यावरण बनाने की कोशिश करें, जबरदस्ती नहीं, फोर्स्ड नहीं किसी भी तरह से। एक बात तो आपने वाकई बहुत मानी खींच कही कि कविता में संगीत का अनुशासन नहीं चलेगा। कविता में संगीत का अपना अनुशासन होगा, वो कविता का होगा, कोई बाहरी तत्व नहीं होगा। भूल ना जाओ इसलिए बात कह रहा हूं, शमशेर ने स्थाई और अंतरे वाली जो प्रविधि है उसे छोड़ दिया, उसे छोड़ा हुआ है। वहां ऐसा नहीं है जो कि गीतकारों ने किया, और उस लिहाज से ये कहा गया कि यार ये लोग हमारे समय के अंतर्वस्त्र को नहीं ला पा रहे और इनका जोर गले पर ज्यादा हो गया। मेरे ख्याल से ये आलोचना काफी ठीक भी थी और एक गैर जिम्मेदारी भी दिखती थी अंतर्वस्त्र को लेकर। ये गैर जिम्मेदारी आपको शमशेर में बिल्कुल नहीं मिलेगी। और ये होता कैसे है? तो वो इस तरह से हो रहा है कि वो स्थाई और अंतरे वाली प्रविधि में जा नहीं रहे, इस ढांचे को त्याग दिया है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब यह है कि उनको कविता की शर्त पर गाया जाए। हाँ। जैसा कि आपने कहा और मुझे अच्छा लगा कि आपने इस पर ध्यान दिया कि संगीत का आधिपत्य कविता पर
एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हाँ, होगी। क्या हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि हर कविता जीवन के किसी खास रिद्म की खोज है या रिद्म के टूटन की भी खोज है? मतलब हर कविता जीवन के किसी खास लय की या उस लय के टूटन की भी उद्भावना करती है? अगर मैं ऐसा कहूं तो ये सही होगा या गलत? मेरे लिए तो ये कोई नई और आकस्मिक बात इसलिए नहीं है कि मैं संगीत के संदर्भ में ही दुनिया को ही देखता हूं, असल में पूरी सृष्टि को देखता हूं। हर कविता एक खास किस्म की, चाहे वो टूटी ही हो, लेकिन एक लय, लय, हाँ बिल्कुल, ये अच्छी बात है, ये लय की ही खोज है। बिल्कुल बिल्कुल, उस रिद्म को पकड़ने की जरूरत है। और ये जो कविताएं गाई गई हैं, ये केवल उसका एक बहुत आरंभिक रूप है, इसको एक पहला कदम मानना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि शमशेर को समझने और उनका एक नितांत मौलिक पाठ तैयार करने की कोशिश है यह गायन, वह काम कर रहा है जिसे आलोचना नहीं कर पाई थी। और आपसे ये बातचीत करना भी मेरे लिए एक उपलब्धि की तरह है कि मैंने शमशेर को नए संदर्भ में तो समझा ही, बल्कि कुछ कुछ आलोचना और कविता का परिदृश्य भी मेरे सामने थोड़ा साफ होता हुआ सा लग रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कई महीने में बड़ा हो गया हूँ इसी बातचीत के दौरान। तो ठीक है, फिर उस बातचीत को यहीं तक रखते हैं। ए, कौन मधुर छंद बने, ए, कौन मधुर छंद बने, मौन दिवस के आज करुण छंद बने, ए, कौन मधुर छंद बने।